मैं नागपुर से दिलीप भरत मलिक एक साइकिलिंग लेके चला है भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, जिसपे कि मैं 26 जनवरी को स्टार्ट किया है साइकिलिंग, और उसी प्रकार से मैं मुंबई आया, मुंबई से सूरत, सूरत से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से अभी इस वक्त मैं पंजाब में हूँ, और सुबह कल शाम के टाइम मैं गुरुद्वारे में आया। मुझे काफ़ी रात हो गई थी, रूम लेकर के रहा मैं, रहने के बाद सुबह मॉर्निंग में उठा, पूजा पाठ करा, पूजा पाठ करके बाहर आया यहाँ गुरुद्वारे के, तो मुझे थोड़ा बागों में एक हरियाली दिखी, जिसमें कि मुझे फौजी भाइयों को कुछ भेजने के लिए अच्छी लगती है, देश की जनताओं को सुबह सुबह मॉर्निंग में कुछ दिखाना, एक खूबसूरती फूल, उसकी खुशबू धरती माता की जो निकलती है फूलों में आती है, जब इंसान उसे सूंघता है तो बहुत प्यारा और एक स्माइल जीवन में ताजीपना महसूस करता है। तो मैं एक दादाजी है जो दरबार की सेवा करते हैं, जिन्होंने मुझे कहे कि भाई आप आइए, हम आपके लिए चाय बनाते, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ चाय के लिए बाबा जी का शुक्रिया करा करो। और ठीक है, हम तो सेवादार है उसके जी, ठीक है। और इन्होंने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत से बैठा के यहाँ पे इन सभी साथियों के साथ में अपने बाबा की सेवा है, और इन्होंने मुझे चाय घी के लिए पूछा है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ, बाबा का भी आभारी हूँ जो मुझे नागपुर से जिस जगह से चला है, तो वाहेगुरु जी की कृपा है, माता रानी की, और जिन्होंने मुझे अभी सफ़र करने में एक दिलचस्पी बनाई रखी है, मेरा संतुलन अच्छा रखा है मुझे, जिसमें कि मुझे जिस प्रकार से एक भावना जगाए रखी है, और वो भावनाओं से मैं कुछ करने के योग्य में बना बैठा हूँ, और सबसे मेरे को बनाने का अधिकार ऊपर वाले का है, जिस प्रकार से वो मेरी भावनाओं को मजबूत रखे, और मैं देश के लिए ये 45,711 किलोमीटर साइकिलिंग का मिशन 13 से 15 महीने में कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ, फिर से बोलना, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो मुझे कुछ बातें आपके साथ रह के सीखनी होंगी, जिससे ऐसा ही है कि हम कौन सा भाई जी, जय हिंद।